हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी टॉवल है कि जिसमें दाग लग गया है या फिर वो साइड से ख़राब हो गया है, तो आप उसका अच्छे से अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी एक ऐसा ही टॉवल था, तो मैंने उसे लिया है और देखिए, कॉर्नर पर मैंने 11x11 इंच पर इसे मार्क कर लिया है। अब इसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए, मैंने इसे मिडल से फोल्ड किया है और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे हाफ़ सर्कल का शेप दूंगी। यहाँ पर देखिए, समथिंग मेरा 2 इंच जितना हो रहा है ऊपर की साइड। अब इसे भी हमें कट कर लेना है। अब जो पतली साइड है वहाँ पर भी मैं मार्क कर लूँगी। तो ये देखिए, ये 2 इंच हो रहा है। दोनों साइड से हमें 2x2 पर मार्क करना है। इस तरीके से हाफ सर्कल शेप देना है और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने यहाँ पर एक बायस पट्टी ली है जो कि क्रॉस में होती है और इसे हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है। अब इसे हमें उल्टी साइड अटैच करना था, अब राइट साइड पर हम टर्न कर लेंगे और डबल फोल्ड करके यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। अब मैंने एक और पट्टी ली है, ये हमें जो हमारा एंड है वहाँ से लेके पूरे सर्कल तक लेना है और जो एंड है वहाँ से इस पट्टी को हमें 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये देखिए, मैंने रॉन्ग साइड पर इस पट्टी को भी अटैच कर लिया। उसके बाद हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, देखिए आप अच्छे से। तो ये इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है, यहाँ पर पूरे राउंड में हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है। तो ये बच्चे का एप्रन रेडी हो चुका है। आप इस तरीके से पुराने टॉवल से बहुत ही सुंदर और यूज़फुल बेबी के लिए एप्रन रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए भी मैंने एक छोटा सा स्क्वायर पीस कट कर लिया है टॉवल को फोल्ड करके, जो उसका अच्छा हिस्सा है वहाँ पर। इसका मेज़रमेंट है 10.5x5 इंच। तो ये टोटल है 10.5x10 इंच। आप इसमें हाफ इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसी के साइज़ की मैंने 10 इंच की जिप ली है और जिप को देखिए यहाँ उल्टा रख कर सिलाई कर लिया। अब सेकंड साइड पे भी मैंने सिलाई कर ली है। अब इस तरीके से इसे ओपन करना है और यहाँ पर हम ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और मजबूती भी आ जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे दोनों साइड। तो ये मैंने सेंटर निकाल लिया है। अब इसे इस तरीके से जो सेंटर निकाला था वहाँ पर हम जिप को सेट करेंगे, तो सेंटर में हमारी जिप आ जाएगी। अब इस तरीके की एक छोटी सी, आप अगर बड़ा हैंगर रखना चाहते हैं या फिर हैंडल रखना चाहते हैं तो बड़ी डोरी भी लगा सकते हैं। डोरी को रख कर मैंने यहाँ दोनों साइड सिलाई कर ली। अब इसे राइट साइड पर टर्न कर लेना है और इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं। सो गाइस, देखिए ये एक छोटा सा प्यारा सा हमारा पाउच रेडी हो चुका है। आप इसे ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर घर पर भी छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेशनरी को रखने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और हमने इसमें हैंगर भी अटैच किया है, तो आप कहीं पर भी इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये DIY? ये थोड़ा सा मजबूत टॉवल है तो अच्छा सा इसमें से ये बन गया है। अब थर्ड आइडिया है, उसके लिए मैंने टॉवल को इस तरीके से फोल्ड किया है और जो भी अच्छा हिस्सा था वो कट कर लिया है। अब जहाँ से मैंने फोल्ड किया था वहाँ सेंटर से भी इसे एक बार कट कर लिया है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसका मेज़रमेंट जो मैंने लिया है वो है 14x12 इंच। अब एक और छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया है, वो है 6x10 इंच का। अब मैंने एक बड़ा हिस्सा ले लिया है और जो छोटा हिस्सा है उसकी छोटी साइड पर हमें इस बड़े हिस्से को इस तरीके से प्लेट लेते हुए अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अटैच कर लिया। अब और एक बड़ा हिस्सा लेंगे हम और उसे भी हम इस तरीके से देखिए सेकंड साइड पर प्लेट लेते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये मेरा दोनों साइड अटैच हो गया। अब इस तरीके से देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे। अब मैंने इस तरीके की एक लेस ली है, छोटी सी पतली सी। आप अपनी पसंदगी की कोई भी लेस ले सकते हैं या फिर पुराने कपड़ों में है, साड़ी में है, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर फोल्ड करते हुए मैं पूरे में लेस को अटैच कर लूँगी। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैंने टॉवल के ही एक स्ट्रिप ली, इसे फोल्ड कर लिया है
और यहाँ पर मैंने अटैच कर ली है इस स्ट्रिप को। तो देखिए ये हैंग करने के लिए मेरा हो गया। और एक मैंने शो बटन लिया है, ये पुरानी कुर्ती का ही है और इसे मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। तो ये मेरा एक हैंगिंग टॉवल रेडी हो चुका है किचन के लिए। आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कितना प्यारा सा ये बन गया है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होते हैं इस तरीके के हैंगिंग टॉवल। अब मैंने टॉवल का वो हिस्सा लिया है जहाँ पर कि इसमें दाग लग गया था, उसका इस्तेमाल भी मैंने अच्छे से कर लिया है। देखिए इस हिस्से को मैंने 6x9 इंच का कट कर लिया है, ये फोल्डेड पीस है। अब इसे एक बार और हम फोल्ड करेंगे और एक साइड से राउंड शेप दे देंगे और उसी को हम फोल्ड करके सेकंड साइड भी राउंड शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके का हमारा राउंड शेप रेडी हो जाएगा। अब मैंने एक और फैब्रिक पीस लिया है और इसके ऊपर इसे रख कर उसे भी मैंने सेम शेप दे दिया है। अब एक और मैंने उसी के साइज़ का स्क्वायर पीस ले लिया है और उसे भी हमें कट कर लेना है। अब इन सभी को शेप देकर एक साथ ही हमें रखना है और सेम इसमें मैच करती हुई मैंने एक स्ट्रिप ली है और उसे हमें ऊपर से अटैच कर लेना है। तो देखिए स्ट्रिप को अटैच करने के बाद हम इसे सेकंड साइड पर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। इसे आप अपने टेबल पर रख सकते हैं मोबाइल के लिए, ताकि कांच के ऊपर स्क्रैच ना हो और ना ही मोबाइल ख़राब हो। या आप इसे फ्लावर पॉट के नीचे यूज़ करने के लिए भी इस तरीके का राउंड शेप देके या फिर स्क्वायर शेप देकर भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप कप के लिए भी कप होल्डर भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया की बात करूँ तो ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। टॉवल का जो बचा हुआ हिस्सा था उसमें मैंने 6 इंच पर मार्क करके इसे कट कर लिया है और यहाँ पर एक साइड से मैं डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई कर लूँगी। सेम इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा हिस्सा है टॉवल का उसमें भी मैं डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। अब इसी का मेज़रमेंट लेते हुए इसे मैं फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर इसे उल्टा रख के ऊपर सिलाई कर लूँगी। अब यहाँ ऊपर आप जितनी भी एक्स्ट्रा जगह छोड़ना चाहते हैं उतनी छोड़ कर इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर दोनों साइड से हमें सिलाई कर लेनी है और एक सिलाई हमें मिडल में कर लेनी है। तो देखिए ये हमारे इस तरीके से पॉकेट बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से डायरेक्ट इसे डबल फोल्ड करके और रॉन्ग साइड पर सिलाई कर लीजिए तो भी ये रेडी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर स्ट्रिप का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके की, आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं। तो स्ट्रिप को मैंने यहाँ पर इस तरीके से रॉन्ग साइड पर अटैच कर लिया है, एक साइड पर फोल्ड कर लूँगी। ऐसा हमें सेम दोनों साइड करना है और इसके बाद मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से जो राइट साइड है वहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और आप चाहें तो जैसे हमने हैंगिंग टॉवल में लगाई थी उसी तरीके से आप राइट साइड पर ही इसे फोल्ड करके लेस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक डोरी का यूज़ कर रही हूँ और इसे देखिए यहाँ पर मैं फोल्ड करते हुए अटैच कर लूँगी। तो ये यहाँ पर आप इस तरीके से इसका एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर ये जगह आप लंबी छोड़ेंगे तो इसे आप अपनी बेड में भी अटैच कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे फोल्ड करके भी डोरी का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डोरी कट कर ली है। इस ये फोल्ड ना हो जाए इसके लिए मैंने एक पतला सा रोड इसके अंदर एंटर कर लिया है। आप कोई भी ऐसी चीज़ हो उसे अंदर एंटर कर सकते हैं तो ये एकदम स्ट्रेट अच्छे से रहेगा। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं कई जगह पर। अब जो टॉवल का बचा हुआ कपड़ा था उसमें से मैंने 9x6 इंच का एक छोटा सा पीस ले लिया है और उसी के साइज़ का एक और फैब्रिक ले लिया है। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी जिप ली है इसी के साइज़ की। जिप को हम राइट साइड पर उल्टा रख कर इस तरीके से सिलाई करेंगे, उसके बाद हमें टॉप स्टिच कर लेनी है। यहाँ पर जिप को हमें प्रेस स्टिच करते हुए इस तरीके से रेडी करना है और सेम हम सेकंड साइड भी जिप को अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी जिप को ओपन करके यहाँ पर भी टॉप स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए टॉप स्टिच हो गई। अब दोनों साइड हम इसमें सिलाई कर लेंगे। अब इसे हमें राइट साइड पर टर्न कर लेना है। तो देखिए छोटा सा एक हमारा हैंड पर्स कह सकते हैं या आप छोटा सा ऑर्गेनाइज़र कह सकते हैं
इस तरीके के छोटे से पर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन गया और ना ही इसमें फोम या अस्तर की ज़रूरत पड़ी हमें। आप सिर्फ एक टॉवल का यूज़ करके बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा इसे बना सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय भारत।